अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ रुखसाना। वेलकम बैक टू माय चैनल रुखसाना रेक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाई हूँ जिसका टाइटल है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रमज़ान, मौलाना तारिक जमील साहब, रमज़ान स्पेशल क्लिप। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो मौलाना तारिक जमील साहब की है। इस वीडियो में रमज़ान के बारे में उन्होंने क्या कहा, चलिए देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस लाल बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम सब के लिए मुबारक मौका है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान के इस्तकबाल के लिए अल्लाह ने हमें मोहलत दी, हम जिंदा हैं और अल्लाह करे कि रमज़ान सबको नसीब हो। रमज़ान एक ख़ास महीना है जो अल्लाह की रहमतों को लेने का है। अल्लाह ताला का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ये पहले किसी उम्मत के लिए नहीं था। उनका रोज़ा मशक्क़त वाला था, इफ्तारी से इफ्तारी। हमारा रोज़ा उसके मुकाबले में बहुत आसान है, सहरी भी इफ्तारी भी। उनकी नमाज तरावी नहीं थी, हमारी नमाज तरावी है क़ुरान सुनने के लिए, क़ुरान को ज़िंदा रखने के लिए। तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है 24 घंटे दिन रात, ये ऐलान होता है, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़ाग़फ़िर लहू, हल मिन तायबिन फ़अतूब अलैह, हल मिन साइलिन फ़अउतियहू। ये तीन आवाज़ें 24 घंटे चलती हैं आसमानों पर। कोई है माफ़ी मांगने वाला, मैं उसे माफ़ करूं, कोई है तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा को कबूल करूं, कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। और फिर एक फरिश्ता ऐलान करता है, या बागिल खैर अकबिल, ए नेकी के चाहने वाले जोर लगा, आगे बढ़ा। और दूसरा फरिश्ता ऐलान करता है, या बाग शर अदबिर, ए गुनाहों में डूबे हुए इंसान वापस आ जा, अल्लाह की छाँव में आ जा, अल्लाह की रहमत में आ जा, अल्लाह की बख्शिश की चादर में अपने आप को छुपा ले। और इसमें फ़र्ज 70 फ़र्ज के बराबर हो जाता है, नफल फ़र्ज के बराबर हो जाता है। और अली रज़ी अल्लाह तआला अलैहि सल्लतु वस्सलाम का फरमान है कि कोई शख्स एक फ़र्ज रोज़ा छोड़ दे, फिर उसकी कज़ा में क़यामत तक अमली नफली रोज़े रखता रहे तो उस एक फ़र्ज को नहीं पहुँच सकता। तो सारे दोस्तों से दरख्वास्त है कि रोज़े का अहतमाम फरमाएं और अल्लाह की रहमत को लूट लें। और मैं एक हदीस सुनाता हूँ कि मेरे नबी ने किस तरह रमज़ान का इस्तकबाल किया। आप मेंबर पर तशरीफ़ लाए, खसूसी तौर पर जमा किया, या जुमे का खुतबा था तो आप खुतबा बैठ के नहीं देते थे, खड़े होके देते थे, चूँकि आपका खुतबा मुख्तसर होता था। तो आपने फरमाया, माज़ा यस्तक़बिलुकुम व माज़ा तस्तक़बिलून, वो कौन आ रहा है, मफहूम है लफ्ज़ी तर्जमानी मफहूम अदर, हमने कहा वो कौन आ रहा है और तुम किसकी तरफ जा रहे हो। सब यूं यूं हो गए। फिर आपने कहा, माज़ा यस्तक़बिलुकुम व माज़ा तस्तक़बिलून, वो कौन आ रहा है और तुम किसकी तरफ जा रहे हो। सारे सहाबा में हलचल मच गई। तीसरी दफ़ा, माज़ा यस्तक़बिलुकुम व माज़ा तस्तक़बिलून, वो कौन आ रहा है, किसकी तरफ जा रहे हो। सारे पीछे मुड़ मुड़ के देखें, पीछे तो कोई भी नहीं, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह अवहयुन नज़ल, या रसूल अल्लाह कोई वही आई है। आपने फरमाया, ला कन नहीं, अदुवुन हज़र, अल्लाह ने आपको आँख दी है देखने वाली, तो क्या कोई दुश्मन मदीने की तरफ आ रहा है और आपने देख लिया है और वो हम पर हमला करने आ रहा है, हम तैयारी करें। आपने कहा, ला नहीं, ये भी नहीं। तो उन्होंने पूछा, भाई या रसूलुल्लाह कौन आ रहा है, तो आपने कहा रमज़ान आ रहा है। सुभान अल्लाह।
क्या खूबसूरत अंदाज था मुतवज्जे करने का, आजमत बिठाने का, हिम्मत बिठाने का, रमजान आ रहा है। फिर आपने उसके फजाइल सुनाए कि इसमें जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और जन्नत की हूरें अल्लाह से दुआ करती हैं कि अल्लाह इस रमज़ान में अपने नेक बंदों में हमारे शोहर हमारे लिए मुंतखब फरमा और उनके ज़रिए हमारी आँखें ठंडी फरमा। और जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं, शैतान कैद हो जाता है। और इस रमज़ान का मतलब है जलना, रमज़ा यरमुज़ जलना। सारे महीनों के नाम अरबों ने रखे, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल थानी से लेकर आखिर तक। रमज़ान का नाम अल्लाह ने कुरान में लिखा, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि ये अरशों पर इस महीने का नाम तय हुआ रमज़ान। तो इस महीने के नाम और रोज़े में क्या मुताबकत है, इनमें जोड़ क्या है कि रमज़ान जल जाना। इसमें जब कोई रोज़ा रखने वाला, रोज़ा रखने वाली जब रोज़े रखता जाता है तो उसके गुनाह पिछले साल के जलते जाते हैं, जलते जाते हैं, जलते जाते हैं। यहाँ तक अल्लाह जैसे लोहे को साफ़ किया जाता है आग से, और धातों को साफ़ किया जाता है आग से, और ज़ाहरी मैल को साफ़ किया जाता है पानी से। तो पूरे साल में जो गंदगियाँ हमारे अंदर घुस जाती हैं, कभी हसद, कभी बुग़्ज़, कभी कीना, कभी कुछ कभी कुछ, तो अल्लाह ताला उसको अंदर से खींच के बाहर निकाल के साफ कर देता है। और ईद की रात कहता है कि फरिश्तों से जिन मजदूरों ने मजदूरी पूरी कर दी हो तो उसका क्या, उसके साथ क्या होना चाहिए। तो सब ने अर्ज किया उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम गवाह रहो, मेरे बंदों ने दिन में रोज़ा रखा, रात को क़याम किया और मेरा कुरान सुना, मैं इस मजदूरी के बदले इनके सारे गुनाह माफ़ करता हूँ। जी हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी। अल्लाह करे रमज़ान ये सबको नसीब हो। रमज़ान का महीना बहुत ख़ास महीना होता है जो कि अल्लाह ताला की रहमतों को लेने का है। इंसान जब रोज़ा रखता है इसके पिछले गुनाह जलते जाते हैं। पूरे साल में जो गंदगी हमारे दिल में उतर जाती है, अल्लाह ताला हमें इस महीने में गुनाहों से माफ़ी लेने का वक्त देता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस महीने में माफ़ी मांगने का वक्त दिया है। आइए हम 5 वक्त की नमाज अदा करें और अपने गुनाहों को हमेशा के लिए माफ़ करवाएं। अल्लाह हाफिज़।